हाल के महीनों में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब सोयाबीन की कटाई शुरू हुई और मंडियों में फसल आने लगी, तब दाम में सबसे अधिक कमी देखने को मिली। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने DOC आयात करने की मंजूरी दे दी, जिसका असर कीमतों पर पड़ा। अब संगठन आयात नीति के खिलाफ मुखर हो गए हैं। साथ ही उनकी मांग है कि सरकार सोयाबीन से GST हटाए। किसान नेता और पूर्व सांसद राजू सेठी ने सोयाबीन की गिरती कीमतों का मुद्दा उठा दिया है और कहा है कि सरकार बाजार दर में बढ़ोतरी करे। वहीं एक और नेता रविंदर तुक्कर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सरकार एक बार आयात नीति पर विचार करे, इसी के कारण कीमतों में गिरावट आई है। वहीं सेठी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 12 लाख टन सोयाबीन आयात को मंजूरी दे दी थी, इसी कारण कीमतों में कमी आई। सोयाबीन के भाव तब गिरे जब बाजार में नई पैदावार पहुंच रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयात की मंजूरी देने से खाद्य तेल के व्यापार से जुड़े कॉरपोरेट को फायदा हो रहा है। उन्होंने सरकार से सोयाबीन पर लगने वाले GST को भी हटाने की मांग की है। नई फसल की आवक से पहले सोयाबीन की कीमत 11,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इससे किसानों को उम्मीद जगी थी कि इस बार आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसे ही आयात को मंजूरी दी गई, भाव गिरने लगे और ये 4,000 रुपए तक सिमट गए। फिलहाल सोयाबीन के भाव 4,200 से लेकर 5,600 रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडियों में दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोयाबीन की MSP 3950 रुपए तय की है। वहीं सेठी ने दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र सरकार या तो आयात पर शुल्क लगाए या फिर इसे पूरी तरह से बंद कर दे। अभी तक 6 लाख क्विंटल सोया मील भारत आ चुका है। हमारी मांग है कि अब आयातित सोया मील की खेप को भारत नहीं आने देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।